एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले की सुनवाई करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत करणी सेना ने इस मामले में सरकार को धमकी दे दी है। करणी सेना ने पद्मावत फिल्म पर कोहराम मचाने के बाद धमकी दी है कि अगर 3 महीने के भीतर कोर्ट के आदेश द्वारा या फिर खुद सरकार ने राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया तो राजपूत करणी सेना खुद राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या कूच करेगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद ये बयान दिया। पद्मावत फिल्म के बाद करणी सेना ने ऐलान किया है कि वो मणिकर्णिका फिल्म का विरोध करेगी क्योंकि इसमें रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ अफेयर दिखाया गया है। राजस्थान से फिल्म यूनिट को भगा दिया गया और सेंसर बोर्ड को धमकी दी गई है कि वो इस फिल्म को सिनेमा हॉल में नहीं चलने देगी। सुखदेव सिंह ने कहा कि झांसी की रानी बहादुर महिला थी, लेकिन आज एक अंग्रेज के साथ उनका अफेयर दिखाया जा रहा है। फिल्म से अगर इन सीन्स को नहीं हटाया गया तो हम फिल्म को नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट आज से अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा अगुवाई वाली बेंच ने पिछली सुनवाई में साफ कह दिया था कि इस मामले में सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।